हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अमित सोनी फ्रॉम एएस इंग्लिश क्लब। गाइस, तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स गाइस ऑफ योर रैनबो बुक फॉर BSEB 2022 एग्जामिनीज के लिए। मैं एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर लेके आपके साथ आया हूँ जिसका नाम है सोल्जर। डिसन सोल्जर जो रॉबर्ट ब्रुक के द्वारा लिखी गई है, ये हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते ही हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम डैम श्योर कि आपके इस वाली एग्जामिनेशन में भी जो आ रही आपके में अपकमिंग है उसमें भी आपके क्वेश्चंस लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर आएंगे। सो डोंट मिस दिस वीडियो टिल द लास्ट। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन राइट ऑल द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। सो गाइस, चलते हैं, रॉबर्ट ब्रुक के बारे में जानते हैं, सोल्जर के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में रॉबर्ट ब्रुक साहब ने क्या कहा है, मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर दूं। रॉबर्ट ब्रुक्स ने अपनी देशभक्ति, अपने पैट्रियटिज्म को इसमें दर्शाया है कि अपने मातृभूमि से, इंग्लैंड से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी डिसन सोल्जर किसी भी देश का हो, अपने देश से तो प्यार करेगा ही, अपनी मातृभूमि से तो प्यार करेगा ही, बट इस सोल्जर की तो बात ही अलग है। ये तो डिसन अपने देश के प्रति किस तरह से डेडिकेटेड है, किस तरह से पागल है, क्रेजी है, डिसन हम देखेंगे कि आखिर अपनी विचार, अपनी फीलिंग्स जो है अपने देश के प्रति वो किस तरह से रखते हैं। सो लेट्स वी गो टू द पोएट्री डिसन डायरेक्टली। वेल गाइज, लेट्स वी गो टू द पोएट्री। तो चलते डिसोस हम पोएट्री की तरफ एंड ये है आपके सामने राइटर की इंफॉर्मेशन। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, ही इज द राइटर एंड यू विल ग्लैड टू नो अबाउट द राइटर दैट ही वॉज द मोस्ट हैंडसमेस्ट डिसोस, नो ही वॉज द हैंडसमेस्ट राइटर ऑफ इंग्लैंड दैट टाइम। ध्यान रखेंगे, दिस इज 3rd of August 1887 में इनका जन्म माना जाता है, 23rd of April 1915 में इनकी डेथ होती है। वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है डिसन। वॉर पोएट का मतलब क्या होता है? वॉर पोएट का मतलब होता है डिसन जिनकी कविताओं में उतनी एनर्जी, उतनी शिद्दत और ताकत होती है जो अपने देश की नागरिकों को अपने देश के प्रति, अपनी यू नो देश के प्रति लॉयल बना दे एंड देश के प्रति जागरूक कर दे डिसन, तो उसको हम वॉर पोएट कहते हैं, जो देश के लोगों में एनर्जी भर दे, सोल्जर्स में एनर्जी भर दे। डिसन इंस्पायर्ड पैट्रियटिज्म इन अर्ली फेज ऑफ WWE, यानी WW1 है ये, WWE नहीं पढ़ देना है, WW1 यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट है, यानी WW1 का मतलब है वर्ल्ड वार वन के दौरान इन्होंने अपनी कविता ये लिखी है। एंड उस समय में वर्ल्ड वार की सिचुएशन थी और लोगों में एनर्जी की जरूरत थी, तो उन्होंने इनकी कविताएं लोगों में एनर्जी का प्रसार करने में जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई थी। तो चलते हैं सेकंड पेज की तरफ, देखते हैं डिसन सेकंड पेज में क्या राइटर ने कहा है। बोर्न इन इंग्लैंड डाइड इन एजियन सी, यानी इंग्लैंड में जन्म हुआ इनकी, डाइड इन एजियन सी ऑफ द आइसलैंड स्काइरोस, स्काइरोस नामक आइलैंड के किनारे एजियन सी में इनकी जो है डेथ हुई। रीजन जो रही वो सेप्सिस, ब्लड पॉइजनिंग, क्योंकि ब्लड लगने से इनकी डेथ हुई थी, तो ब्लड पॉइजनिंग हुई थी इनको, शरीर में जहर फैलने से, ब्लड की वजह से जहर फैलने से इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। WBH describes him as the handsomest young man in England. जैसा कि आपको मैंने बिगनिंग में बताया कि इंग्लैंड के ये सबसे ज्यादा हैंडसम, मोस्ट हैंडसमेस्ट राइटर के रूप में जाने जाते हैं। जिसमें T.S. Eliot एक बहुत ही फेमस, बहुत ही नोन राइटर है, जिनके जिनका कहना था कि ये जो रॉबर्ट ब्रुक साहब हैं, ये इंग्लैंड के सबसे हैंडसम राइटर रहे। वेल गाइज, तो ये तो राइटर के बारे में बात थी, अब हम आगे चलते हैं और भी कुछ बातें पढ़ते हैं। The soldier belongs to an earlier stage in the war when people were overall more optimistic and patriotic. क्या कहा जाता है, वर्ल्ड वार के समय का है, डिसन अर्ली फेज का है, जब लोग अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए तैयार थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, पैट्रियोटिक थे, देशभक्ति की भावना उनके अंदर जो है उमर के आ रही थी। एंड द पोएम वॉज रीड अलाउड इन संत पॉल्स कैथेड्रल इन ईस्टर 1915. ये पोयम जो है डिसन, जो राइटर के द्वारा भी लिखी हुई है, वो 1915 के पहले जो है वो संत पॉल्स नाम के कैथेड्रल में प्रार्थना के रूप में गाई जाती थी, एज अ प्रेयर गाई जाती थी। शॉर्टली बिफोर ब्रुक्स डेथ, और जो है रॉबर्ट ब्रुक के डेथ के जस्ट तुरंत बाद ही डिसन जो है, बिफोर द पोयम कैप्चर्स द पैट्रियोटिक मूड, और इनके डेथ से थोड़े देर दिन पहले ही ये जो कविता थी वो पैट्रियोटिक मूड लिया, यानी देशभक्ति का मूड लिया, क्योंकि डिसन सिंपैथेटिकली, यानी राइटर की जो कविता थी वो देशभक्ति का फॉर्म ले लिया, देश के जनता को जागरूक करने के लिए उनमें उत्साह भरने का काम करने लगा ये कविता।
रिटन इन नवंबर एंड दिसंबर 1914, चूंकि 1914 जो है डिसेंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ब्रोक का जो है आरंभ माना जाता है, बिगिनिंग माना जाता है, तो ये कविता जो है नवंबर दिसंबर में लिखी गई 1914 ईस्वी में, ओनली अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और कुछ ही महीनों बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं डिस्टेंस की ये कविता का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी कि वर्ल्ड वॉर के समय में लिखी गई कविता है। ये बहुत ही वॉर पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं कवि, कवि जो हमारे हैं, यानी लोगों में एनर्जी भरना, देश के प्रति जागरूक करना, और उनकी जनता में देश के प्रति जो लॉयल्टी है, देशभक्ति है, वो भरना, इस कविता का मेन उद्देश्य था। तो चलते डिस्टेंस आगे हम देखते हैं, यहां आते हैं, यहां है हमारी थीम ऑफ द पोयम है, द स्पीकर्स इनफॉर्म हिज ऑडियंस व्हाट टू थिंक आफ्टर हिज डेथ, यानी इस कविता के थ्रू, इस पोएट्री के थ्रू राइटर क्या चाहते हैं, इसके बारे में बात हुई है। राइटर कहते हैं रीजंस कि वो चाहते हैं कि उनके मरने के बाद क्या हो, यानी राइटर मरने के बाद क्या इच्छा रखते हैं, उनकी जनता क्या सोचे उनके बारे में, इसके बारे में बात की जा रही है। ही टेल्स देम ओनली टू कंसीडर दैट अ पोर्शन ऑफ सम फॉरेन फील्ड विल बी forever England as a result of his death. यानी राइटर कहते हैं कि चाहे जहां कहीं भी उनकी मृत्यु हो, जहां कहीं भी उनकी डेथ हो, और उनका पार्थिव शरीर, उनका डेथ शरीर जितना दूरी पर लेटा हो, जितना जमीन छेक ले, वो जमीन हमेशा किसकी हो जानी चाहिए, इंग्लैंड की हो जानी चाहिए। वो अपनी देशभक्ति साबित करते हुए इस तरह से बताते हैं कि जहां भी उनकी मृत्यु हो, जहां भी डेथ हो, वो जमीन जो है, वो धरती का उतना पार्ट, उतना पोर्शन जो है, वो हमेशा के लिए किसकी हो जानी चाहिए, इंग्लैंड की हो जानी चाहिए। द सोल्जर हु वॉज रेज्ड एंड नर्चर्ड बाय हिज कंट्री इंग्लैंड विल बी ब्यूरीड इन द अर्थ आफ्टर ही डाइज। कहा जाता है कि ऐसा जमीन जहां राइटर का जन्म हुआ, यानी जिस मिट्टी में राइटर जन्मे, वो चाहते हैं कि उसी मिट्टी में उनकी डेथ हो जाए, उनको वहीं दफना दिया जाए। आगे बात करते हैं डिसेंस, आफ्टर ही डाइज द सोल्जर विल बी गो टू अ पीसफुल इंग्लिश हेवन व्हेन ही विल बी री एक्सपीरियंस ऑल हिज इंग्लिश मेमोरीज। राइटर कहते हैं डिसेंस कि वो मरने के बाद वो अंग्रेजी मिट्टी में ही दफन हो जाना चाहते हैं, ताकि वो अपने सपनों में उसकी री एक्सपीरियंस कर पाए, वो इंग्लिश हेवन में ही जाए, वो अंग्रेजी आबो हवा में ही विलीन होकर के हमेशा के लिए रह जाना चाहते हैं। ये लेवल थी उनकी मातृभूमि के प्रति जो प्रेम था उसकी, देशभक्ति का। तो कविता में क्या बात की गई है, पोएट्री में किस तरह से राइटर ने अपनी देशभक्ति, अपनी लॉयलिटी, अपने पैट्रियटिज्म को एक्सप्लेन किया है, लेट्स बैक टू द लाइन ऑफ द पोएट्री। तो चलते हैं डिसेंस, ये है आपकी कविता की पहली लाइन, और ये पिक्चर में दिया, आपका विजिबिलिटी क्लियर है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है राइटर की जो पार्थिव शरीर है, यानी डेथ बॉडी जो है वो लेटी हुई है, और ये आपकी जो है इंग्लैंड का जो फ्लैग है उसके बारे में उसको दिखाया गया है, और उसकी मातृभूमि को रिप्रेजेंट किया गया है, उनकी देशभक्ति को रिप्रेजेंट किया गया है। और लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं अब, इफ आई शुड डाई, राइटर कहते हैं कि यदि मैं मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, सिर्फ मेरे बारे में इतना सोचो, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। यानी राइटर कहते हैं कि यदि मैं मरूं तो मेरे बारे में बस तुम इतना सोचना कि वो जमीन जहां मैं लेट जाऊं, जहां मेरी डेथ बॉडी लेटी हुई हो, वो जमीन किसकी हो जानी चाहिए, इंग्लैंड की हो जानी चाहिए। कभी देखिए डिसेंस, राइटर कहते हैं कि मरने के बाद मेरी शरीर जहां भी लेट जाए, वो जमीन हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो, यानी कि इंग्लैंड की मूवी में ही वो रहना चाहते हैं। और इस तरह से जिस तरह की इनकी कल्पना है डिसेंस, यदि किसी फॉरेन फील्ड में इनकी मृत्यु हो जाए, किसी और देश में इनकी मृत्यु हो जाए, तो वहां के जमीन इंग्लैंड की करने के चक्कर में डिसेंस मरने के बाद भी युद्ध करा के जाएंगे। आप समझ सकते हैं इनकी देशभक्ति की लिमिट जो है वो किस तरह की है। मरने के बाद इनकी यदि कोई, इनकी मृत्यु यदि कोई फॉरेन फील्ड में हो जाए, किसी विदेश में हो जाए, किसी देश की सीमा में हो जाए, किसी दूसरे देश की सीमा में हो जाए, तो राइटर की इच्छा है कि वहां की जमीन इंग्लैंड की हो जानी चाहिए, नहीं तो ठीक है भाई, मरने के बाद भी युद्ध करा के जाएंगे आप। ऐसी इच्छा है राइटर अपनी देशभक्ति को साबित करने के का, यही तरीका उनके पास है। देखते हैं डिसेंस आगे बात किया जा रही है, यहां देख रहे हैं आप डिसेंस, राइटर के कब्र बना हुआ है, यहां इनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया है। और क्या कहते हैं, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। कहा जाता है डिसेंस की, राइटर का मानना है कि किसी भी देश की मिट्टी बहुत ही रिच होती है, धनी होती है, मगर राइटर अपने देशभक्ति को इस कदर दर्शाते हैं, इंग्लैंड की मिट्टी को इनडायरेक्टली वो कैसे बेहतर बताते हैं वो देखिए जा करते हैं। कहते हैं राइटर डिसेंस की, इन द रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, यानी कि उस धरती में, जहां की धरती में मेरी मिट्टी मिलेगी, यानी कि उस धरती की मिट्टी तो रिच होगी,
मगर हमारी मिट्टी, इस पार्थिव शरीर यानी कि मेरी मिट्टी उस धरती में क्या हो जाएगी, मिलेगी तो वो धरती और रिचर हो जाएगी, यानी मेरी रिचर दस जो है, मेरी उससे भी धनी मिट्टी जो है उस मिट्टी में क्या हो जाएगी, कंसील्ड हो जाएगी, मिल जाएगी, घुल जाएगी। यानी राइटर यहां भी अपनी मिट्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, इंग्लैंड की प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं हुआ, चलते डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं। अ डस्ट, किस कौन सी मिट्टी मिलने की बात हो रही है, वहां उसी को और एक्सप्लेन किया जा रहा है। वो मिट्टी अ डस्ट whom England born, जो इंग्लैंड में जन्मा, saved, बड़ा हुआ, made aware, जहां उनको बुद्धि मिली, जोश मिली, अवेयरनेस मिली, जहां उनकी जागरूकता मिली, gave once her flowers to love her ways, नहीं to roam, जहां उनको डेसंस प्यार करने के लिए her flowers to love, डेसंस जो है फ्लावर्स मिले, फूल मिले, जहां उनको प्यार करना सीखा उन्होंने, जहां की उपवनों में, बगीचों में रास्ता मिला उनको घूमने का, टहलने का, उस मिट्टी के बारे में बात हो रही है। यानी राइटर की कौन सी मिट्टी किस मिट्टी में मिल जाए, वो मिट्टी जो इंग्लैंड में जन्मी, इंग्लैंड में आकार ली, बड़ी हुई, इंग्लैंड में उनको जागरूकता मिली, अवेयर मिली, सोचने की शक्ति मिली, बुद्धिमता मिली, जहां के फूलों से उनको प्यार करने की प्रेरणा मिली, डिसन जहां उनके उपवनों में, बगीचों में जहां रास्ता मिला उनको घूमने का, वो मिट्टी कहां मिल जाए, इंग्लैंड की मिट्टी में ही कंसील्ड हो जाए। चलते डिसन आगे बढ़ते हैं। याद कहते हैं अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, यानी कि उनका शरीर कहां की है, इंग्लैंड की है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जहां की आबो हवा में उन्होंने सांस लिया, यानी कि जहां की आबो हवा में उन्होंने सांस लिया, वॉश्ड बाय द रियर, जहां की नदियों में उन्होंने, जहां की नदियों के पानी में जिसमें जो है वो खुद को आशीर्वादित महसूस करते हैं, खुद को आह्लादित महसूस करते हैं, खुद को प्रसन्न महसूस करते हैं, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, जहां की सूर्य की रोशनी में वो क्या हुए, दीप्तमान हुए, जहां बुद्धि मिली, जहां वो डिसन, ब्लेस्ड का मतलब होता है आशीर्वादित होना, धन्य होना, कृतज्ञ होना। डिसन राइटर कहते हैं जहां के सूर्य की रोशनी में जिसमें उनको अपना घर मिला, आशीर्वादित हुए, जहां जन्म करके वो अपने आप को बहुत ही डिसन जो है वो आप खुशकिस्मत समझते हैं राइटर, उस मिट्टी की बारे में बात हो रही है, उस इंग्लैंड की बारे में बात हो रही है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। चलते डिसन आगे देखते हैं। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, राइटर कहते हैं डिसन की उनका मानना है कि उनके दिल में, उनके मन में, उनके अंदर कभी भी इंग्लैंड के बारे में कोई इविल सेड ना रहे, सब दूर हो जाए, यानी इंग्लैंड के बारे में कभी भी वो चाह के भी कुछ बुरी बात ना सोचे, अपने देश के प्रति कभी भी उनकी हीन भावना ना आए, कोई गंदी सोच ना आए, यानी अपना मन हमेशा वो पवित्र रखना चाहते हैं, मरते मरते वो चाहते हैं कि उनके देश के प्रति उनके मन में एक ख्याल भी बुरा ना आए। तो चलते डिस्कस आगे, और अगली पंक्ति में कहा जाता है कि अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहा जाता है डिसन की हमेशा उस इंटरनल मस्तिष्क में, यानी राइटर कहते हैं कि हमारे इंटरनल मस्तिष्क में, हमारी सोच में, गिव समवेयर बैक द थॉट ऑफ इंग्लैंड गिवन, यानी कि इंग्लैंड के बारे में जो इंग्लैंड से मुझे मेमोरीज मिली, जो यादें मिली, जो सोच मिली, वो चाहते हैं कि हमेशा उनकी इंटरनल मेमोरी में, उनके अंदर हमेशा वो बस के रस के रह जाए, यानी कि हमेशा उनकी मेमोरी में अंदर तक इंग्लैंड के बारे में उनकी यादें, उनकी सोच हमेशा क्या रह जाए, एक जगह ले ले, एक कॉर्नर में वो रह जाए, यानी कि मरते मरते तक अंग्रेजी सोच के साथ, इंग्लिश सोच के साथ, अपनी देश के प्रति अच्छी बातों के साथ वो मरना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं कविता की अंतिम लाइन की तरफ। डेसंस हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, कहा जाता है कि जहां उनको दृष्टि मिली, डेसंस जहां वो देखना सीखे, जहां उन्होंने नजरिया, जहां उनकी डेवलप हुई, जहां उनको उनकी शोर सरावे आवाज, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, यानी कि जहां उन्होंने सपने देखे, खुशी पूर्वक जहां रहना सीखा, जहां दोस्तों से उन्होंने क्या सीखा, हंसना सीखा, एंड जेंटलनेस, दयावान होना सीखा, जेंटलनेस सीखा, सहानुभूति सीखी, इन द हर्ट्स एट पीस, जहां के दिलों में उन्होंने शांति मिली, जहां उनके दिल पे क्या मिली, शांति मिली, अंडर एन इंग्लिश हेवन, वही अंग्रेजी हेवन में रह जाना चाहते हैं, यानी राइटर मरने के बाद भी इंग्लिश हेवन में जाना चाहते हैं, अंग्रेजी आबो हवा में घुल मिल के रह जाना चाहते हैं, इंग्लैंड में ही रह जाना चाहते हैं, जिंदा भी इंग्लैंड में और मरे भी तो इंग्लैंड में, नहीं, ऐसी देशभक्ति राइटर की थी। तो आशा करता हूं डिसन्स की आपको पंक्ति की, पूरी कविता की पूरी पंक्ति समझ में आई होगी, एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप समझ पाए होंगे। राइटर की पैट्रियटिज्म, उनकी देशभक्ति का सीमा लिमिट आपने देखा है, किस कदर से अपनी
देशभक्ति उन्होंने जाहिर की है, किस तरह से अपनी देश के प्रति अपना प्यार, अपनी लॉयल्टी उन्होंने दर्शाई है पंक्तियों के द्वारा। आशा करता हूं कि आपको मैं समझा पाया हूं डिसंस, चीज आपको अच्छा लगे या जैसा भी लगे आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं डिसंस, और हमारे वीडियोस को कंटिन्यू आप देखते रहें। मिलते हैं नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिसंस। टिल देन लव यू, थैंक यू, बाय टू ऑल।